जी तो दोस्तों, GTA 5 का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील की जो सेटिंग है, वो आप कैसे करोगे? ये मैनुअल ट्रांसमिशन और ये स्क्रिप्ट हुक भी का जो है लिंक, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना दोनों फाइलों को। यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ये पड़ी है मेरी डाउनलोड के अंदर, ये फाइलें पड़ी हुई हैं डाउनलोडिंग के अंदर। ठीक है, ये मैंने अनजिप कर लिया, ये है ट्रांसमिशन इसकी। ठीक है, इन फाइलों को आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लो या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। लोकेशन ओपन करके GTA 5 जो आपकी क्रैक वाली है उसके अंदर करना चाहते हो या दूसरे के अंदर, आई थिंक दोनों में वर्क करेगी, मुझे कन्फर्म नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से आप रीड करना चाहते हो अपने हिसाब से, वो भी कर सकते हो इसकी मैनुअली सेटिंग रीड करके। सिंपल इतना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने। उसके बाद ये स्क्रिप्ट हो इसके अंदर ये वाला छोड़ के, ठीक है, बाकी ये दोनों फाइलें आपने कॉपी कर लेनी है, इसको छोड़ दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। हमारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है अभी यहाँ तक। अभी गेम को ओपन कर लेंगे और उसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ स्टीयरिंग व्हील के साथ। जी तो दोस्तों, गेम के अंदर वापस आ चुके हैं। अभी PX and V9 स्टीयरिंग व्हील की जो सेटिंग है गेम के अंदर, वो कैसे करनी है? सबसे पहले ये वाला जो है, इसको ब्रैकेट वाला बटन को प्रेस करना है आपने। ओके, तो हमारा जो मेन्यू ओपन हो चुका है, ठीक हो गया जी। अभी ये देखो, एच पैटर्न रखना है सबसे ऊपर, ठीक है, और दूसरी सेटिंग नहीं छेड़नी आपने। यहाँ पे आना कंट्रोल में, यहाँ पे व्हील पैडल्स, इसके बाद एनालॉग इनपुट सेटअप के अंदर जाएंगे। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे चेक करो, हर चीज़ मेरी वर्क करेगी ऊपर जाके। यहाँ पे इंटर दबा के, जैसे आप इंटर दबाओगे, ये वाला रेस वाला पैडल प्रेस करना है। उसके बाद ब्रेक वाला प्रेस करोगे, क्लच, ठीक हो गया जी। तीनों चीज़ें ओके हो चुकी हैं। अभी स्टेयरिंग पे क्लिक करके इंटर करेंगे और इसको लेफ्ट कंप्लीट घुमा दो, बस ओके हो गया जी। अभी 500 पे सेटिंग हो चुकी है, लेफ्ट और राइट ये कंप्लीट हो चुका है, ये इसका सिलसिला काम। अभी वापस जाओ, एच पैटर्न शिफ्टर के अंदर आ जाओ, यहाँ पे देखो गियर की। अब इसको जो शिफ्टर है उसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे प्रेस करना है और रिवर्स करना है। एक गियर हो चुका है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 टाइम प्रेस। अभी ये इसका जो शिफ्टर की सेटिंग हो चुकी है डन। हैंडल भी हमारा ओके हो चुका है, शिफ्टर की सेटिंग भी ओके हो चुकी है। अभी इसका जो है, अभी इसकी जो सेटिंग है वो हम कर सकते हैं। बटन इनपुट सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट अप इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट डाउन इस वाले को प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसके साथ इंजन स्टार्ट की सेटिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। हॉर्न की सेटिंग, हॉर्न मैं इस वाले बटन से प्रेस कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। इंडिकेटर भी आएगा इसके ऊपर, लेफ्ट राइट, ये देखो इंडिकेटर। लेफ्ट मैं इस वाले से सेटिंग करता हूँ और यहाँ पे नीचे राइट इससे सेटिंग कर लेता हूँ इंडिकेटर की, ओके हो गया जी। और अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों लाइट एक साथ चलें तो इससे इंडिकेटर की सेटिंग कर लेता हूँ, ओके हो गया जी। ये मेरी थी सेटिंग PX and V9 की। अभी जो गेम है हमारी वो ओके हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि यार सिर्फ हैंडल के साथ ही गेम वर्क कर रही है, तो इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक को दूसरा, तो इससे होता है या इस वाले बटन से, इन दोनों में से एक से होता है, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। अभी हम गाड़ी निकालते हैं गैराज से बाहर,
ओके भाई, ये देखो हमारा शिफ्टर मैनुअली सेटिंग हो चुकी है इसकी, और अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये मैनुअली ख़त्म हो जाएगी, ऑटो पे आ गई है। ठीक है, ये देखो ऑटो पे आ चुकी है। जैसे मैं ये दबा रहा हूँ ये पीछे जा रही है, और अगर मैं इसको दोबारा दबाता हूँ ये मैनुअल हो जाएगी। अभी हम क्लच दबा के, क्लच प्रेस करके, वो ब्लू हो चुका है साइन। अभी इसको फर्स्ट गियर में डालेंगे, जब रिवर्स करना है तो नीचे दबा के सिक्स वाले गियर के अंदर करेंगे। ओके, क्लच दबा के फर्स्ट गियर। ओके, हो गया जी। आई होप सो आप ये वीडियो लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लाजमी दबाना।